अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, और जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। टमाटर लिए हैं हमने 3, उसका पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक लिया है 1 चम्मच। छोटी हरी मिर्चें ली हैं 3-4, उसको बारीक बारीक काट लिया है। मोटी हरी मिर्चें ली हैं 3, और उसको बारीक बीच में से ऐसा कट कर लिया है। नींबू का रस दिया है 1 चम्मच, और कुछ मसाले लिए हैं जो यूं हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 चम्मच। हल्दी ली है बिल्कुल हाफ से भी हाफ टीस्पून। ब्लैक पेपर लिया है 1 चम्मच। गरम मसाला लिया है 1/2 चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 चम्मच। चाट मसाला लिया है 1/2 चम्मच, और चिकन ली है 1 किलो। चिकन लिए है हमने 1/2 किलो। अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैंगे। 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने, इसे थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर इसके अंदर चिकन डाल देंगे हम। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। गोटियाँ ज़्यादा छोटी छोटी मत करिएगा, और इसे इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से। मीडियम टू लो है, ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कलर चेंज हो गया है, इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून दही डालेंगे। अब दही डाल देंगे 4 चम्मच। इसको इसे साफ मिक्स करेंगे। और इसे इतना पकाएंगे कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इसको पकड़ कर देंगे, और इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। इससे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब उठा के देख लेते हैं। पानी खुश्क हो चुका है इसका। और अब इसके अंदर हम टमाटर लेते हैं, उसका पेस्ट डालते हैं। साथ में हम हरी मिर्ची डाल देंगे, बारीक चक्की भी मिक्स करेंगे इसको, और इसे तकरीबन इतना पकाएंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 10 मिनट। दोबारा कवर कर लेंगे हम इसे। फ्लेम जो है वो मीडियम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और फिर मुझे बताइए कैसी बनी है कि ये, और कौन सी नेक्स्ट डिश बताऊँ ये भी ज़रूर बताइएगा। इसे 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लाल पिसी हुई मिर्चें, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला और ब्लैक पेपर, नींबू का जूस, मोटी वाली हरी मिर्चें 3, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप लोग चाहें तो आप लोग बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन कढ़ाई जो है वो हड्डी वाले गोश्त की तरह सकती है।
टाइप के लिए आप लोग उसको पसंद भी कर सकते हैं। आधे चम्मच नमक भी डाल लें, दाना पूरी देखी मिक्स करेंगे इसके साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, काट ली तो बहुत अच्छी थी। अब हम मूवी डाल देंगे, मसाला सारा फिक्स हो गया। टेन जो है इंडिया में कलर करके रख देंगे। ये देख सकते हैं ये हो चुका है, मसाला जो है खुश हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, मैंने फ्लेम बंद कर दिया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इंडिया जी ये देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। इतनी अच्छी और इतनी इजी और इतनी ईजी एंड क्विक रेसिपी बनी है कि ये देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है ये। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।